नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और बेहद बुरी खबर सामने आ रही है। गंगा नदी में नाव पलटने से लाशों का लगा ढेर, एनडीआरएफ फोर्स तैनात। वहीं साथियों बता दें, लाशों को देखकर रोने लगा पूरा गांव और मौके पर मचा हड़कंप। जी हां साथियों बता दें, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में दोस्तों मालदेपुर पर एक गंगा घाट है जिस पर मुंडन संस्कार के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। दोस्तों बता दें कि यहाँ पर श्रद्धालुओं से भरी नाव अचानक से पलट गई और मौके पर ही 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे से मौके पर हड़कंप मच गया। इसी दौरान वहां मौजूद स्थानीय लोगों और नाविकों ने 12 से ज़्यादा लोगों को नदी से सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं हादसे की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस अपनी टीम के साथ बाकी लोगों की तलाश में जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि नाव में लगभग 35 लोग सवार थे। बताते चले दोस्तों, हादसा जिले के शहर कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मिल्कीपुर घाट के पास का है, जहां एक ओवरलोडेड नाव अचानक गंगा नदी में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जिनमें 2 महिलाएं भी शामिल हैं। बताया जा रहा है कि नाव में 30 से 35 लोग सवार थे। हादसा की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जानकारी के मुताबिक अभी तक 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, जिसको इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुँचाया गया है। कुछ गंभीर रूप से घायल हैं जो मौत और जिंदगी से जूझ रहे हैं। और आप देख रहे हैं देश का सबसे विश्वसनीय चैनल, जिस पर बिल्कुल लेटेस्ट और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक अपडेट करवाई जाती है। इसलिए अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लें। साथ ही दोस्तों, भगवान मृतक आत्मा को शांति दे, इसलिए कॉमेंट बॉक्स में ओम शांति ओम लिखें। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।